भारत जो है ना सिर्फ टेस्ट जो है ना टॉप कर रहा है, उनकी वनडे की टीम, उनकी T20 की टीम, उनके यंगस्टर्स, उनके सीनियर प्लेयर्स सारे बहुत कॉम्पैक्ट लग रहे हैं। तो इंडिया आगे जा चुकी है, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि यार हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, हम लोग दूसरे आगे चले गए, आप लोग वैसे ही है, नल्ले ही हो, एक बड़े अच्छे डगर पे उनकी क्रिकेट चल रही है। और जहां तक बात आपने इंडिया की करी, क्या उनकी सोच बहुत आगे की, लेकिन जो माइंडसेट है, जो टेक्निकली जो बैट्समैन है ना इंडिया के, वो बहुत आगे है यार, बहुत आगे हैं। मैं तो नोट बना रहा होता हूँ ना, तो मेरी कॉपियां भरती हैं। वो टीम 2013 से घर में टेस्ट मैच ही नहीं हारी यार, उसको ये कैसे हरा देते, ये कौन से सपने बेचते हो तुम झूठे, क्योंकि शान मसूद हार गया, क्योंकि बाबर से रन नहीं हुआ इनके खिलाफ। अब बाबर जितने रन तो जो उसने 4 इनिंग में नहीं किया, उससे ज्यादा तो कर दिया ऋषभ पंत ने 2 घंटे में। फॉर द फर्स्ट टाइम 1932 से जब से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू की इंडिया ने, पहली मरतबा हुआ है आज के मोर टेस्ट विंस देन लॉसेस, पहली दफा। इसका मतलब है कि बहुत प्रोग्रेस कर गया इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट, बहुत ज्यादा प्रूफ किया है ना, लास्ट 10 इयर्स से आप देखें, उससे ही पहले शुरू हो चुका था काम। वो इसीलिए कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे नंबर 1 साइड है, इसकी कोई वजह है, उनके जो प्लेयर्स का कैलिबर है वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत जबरदस्त है, उनकी जो पेडिग्री है प्लेयर की वो बाकी प्लेयर से, दुनियाई प्लेयर से बहुत ज्यादा ऊपर है। आपके मुल्क में तो व्हाइट बॉल को ज्यादा तरजीह दी जाती है कि हम फ्रेंचाइज लीग खेल लें, हम वो वाली लीग खेल लें, मुल्क के लिए नहीं सोचते। इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, ये फर्क है दोनों का। जिस दिन हमारे लड़कों में भी मुल्क से मोहब्बत आ जाए ना, मैं माफी के साथ ये जुमला बोल रहा हूँ, ये वजह ये है कि पाकिस्तान हमारे पास है क्या, हमारे पास इफ्केन काश रह गया, हमारे पास ना तो बल्लेबाज रहा, ना ऑलराउंडर रहा, ना बॉलिंग ऑलराउंडर रहा, ना बॉलर रहे, हमारे पास सारे वर्ल्ड क्लास है, वो भी भाई है वर्ल्ड क्लास भाई है, ये इनका स्टेटस अब इस कदर गिर गया कि बांग्लादेश इनके मुंह को आ रहा है, मुंह को क्या। अश्विन कितने शो हो गए, 6 एम एस धोनी के 5 धोनी के, ये स्टोरी होती है, अब 6 हो गए, चौथी दफा डबल किया है टेस्ट मैच में, नंबर भी पीछे था धोनी से, नंबर भी पीछे था। अश्विन साहब ने बहुत ज्यादा बॉलिंग की, 7वीं विकेट हो जाती, क्यों 3 रिव्यू बाकी हैं भाई, 3 रिव्यू बाकी हैं, क्यों नहीं लिया आपने, 7वीं विकेट थी आपकी वो, एनीवे 522 छक्के हो गए शायद इनकी, पता नहीं, हां जी 522 हो गए, आज कोर्टनी वॉल्ट को पीछे छोड़ गए, पाकिस्तान में विकेट मिल रही थी, यहां विकेट मिलना बंद हुई तो लंबी पार्टनरशिप लगी, वो जडेजा की पार्टनरशिप तो अश्विन की था, वो टर्निंग पॉइंट था, बस वो वहीं पे था, 200 225 तक ठीक था, बांग्लादेश फाइट कर सकता था, जा सकता था, 300 रन हो गए वहां पे, मैच ओवर हो गया इनके लिए, ओवर हो गया, लेकिन टीम बहुत तगड़ी नजर आ रही है, पेस पे भी रिलाई कर रहे हैं, चाहे वो जसप्रीत हो या आकाशदीप हो, तो इंडिया आगे जा चुकी है, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि यार हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, हम लोग दूसरे आगे चले गए, आप लोग वैसे ही है, नल्ले ही हो। फॉर द फर्स्ट टाइम 1932 से जब से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू की इंडिया ने, पहली मरतबा हुआ है आज के मोर टेस्ट विंस देन लॉसेस, 179th टेस्ट विन थी, 178 हारे हुए, पहली दफा। इसका मतलब है कि बहुत प्रोग्रेस कर गया इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट, बहुत ज्यादा प्रूफ किया है ना, लास्ट 10 इयर्स से आप देखें, उससे ही पहले शुरू हो चुका था काम। भारत ने आज बांग्लादेश को मात देके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहला नंबर सिक्योर कर लिया, इनफैक्ट 3.25 दिन के अंदर ही उन्होंने मैच खत्म कर दिया, तो ये डिफरेंस है जो वो पूरी दुनिया के साथ अपनी टीम का कैलिबर रखते हैं, और शानदार परफॉर्मेंसेस हुई हैं। वो इसीलिए कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे नंबर 1 साइड है, इसकी कोई वजह है, उनके जो प्लेयर्स का कैलिबर है वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत जबरदस्त है, उनकी जो पेडिग्री है प्लेयर की वो बाकी प्लेयर से, दुनियाई प्लेयर से बहुत ज्यादा ऊपर है, वो अपने प्लेयर्स पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर फॉर्मेट की टीम उनके पास मौजूद है, जिसकी वजह से वो आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पे खड़े हैं, और उनके पास वो 2 या 3 प्लेयर्स पे अपनी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं कि उन्हीं के नारे लगवाई जाएं और वही जो है ना कुछ करें ना करें, और अगर करें तो भारत जीत जाए, ना करें तो भारत हार जाए, ऐसा नहीं है। इट्स अ टीम गेम, इट्स अ टीम एफर्ट। इसी तरह आप जो है वन साइडेड मैचेस जीतते हैं ऑपोजिशन से, और उन ऑपोजिशन से जो दूसरी टीमों को व्हाइट वॉश करके आए हो, लेकिन जब वो भारत के खिलाफ भारत के अंदर खेलती हैं तो 3.75 दिन में मैच खत्म हो जाता है। ये माउंट एवरेस्ट है भारत, इसको क्रॉस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा खाने टिक करने पड़ते हैं, बहुत सारा दलेरी दिखानी पड़ती है। भारत जो है ना सिर्फ टेस्ट जो है ना टॉप कर रहा है, उनकी वनडे की टीम, उनकी T20 की टीम, उनके यंगस्टर्स, उनके सीनियर प्लेयर्स सारे बहुत कॉम्पैक्ट लग रहे हैं, एक बड़े अच्छे डगर पे उनकी क्रिकेट चल रही है। चाहे जोन सी मर्जी टीम हो, टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, कोई भी टीम आसान नहीं होती है, लेकिन किसी टीम को पहला घंटा 1.5 घंटे में 6 आउट होने के बाद भी 3.25 दिन के अंदर मैच खत्म करना तो खाला जी का बेड़ा नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है। कमाल ये है कि हिंदुस्तान ने अपनी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में आज वो पहला दिन है, ये 22 सितंबर 2024
जब हिंदुस्तान जीत में आगे निकल गया, यानी ज्यादा टेस्ट मैचेस जीता है और हारे कम है, 179 जीता है और 178 हारे हैं। तो दिस शोस के हिंदुस्तान ने पिछले कुछ अरसे में कितना जीतना शुरू किया है। असल में हम लोग एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होते ना कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पे जीत जाता है, अपने होम ग्राउंड पे जीत जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में फेटा जो लगाकर आया दो दफा, दस साल से जीतने नहीं दे रहा, 10 साल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने नहीं दे रहा, और आप अभी भी नहीं जीते, और अभी भी नहीं जीतने देगा। ऑस्ट्रेलियंस को तकलीफ कितनी होगी, क्योंकि उनको हार बर्दाश्त नहीं है। उनके साथ जब जो टीम ऐसा खेले ना, फिर वो वाकई अच्छा खेल रही है। और जहां खुशी की बात है, वहां मुझे दुख भी बहुत होता है कि हिंदुस्तान इतना आगे जा रहा है और हम जो है वो ना नोस डाइव लगा के नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये तो दुख की बात नहीं है ना, देखो सच को सच इसलिए बोला जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, ये सच है, कड़वा सच है लेकिन हकीकत है। और जहां तक बात आपने इंडिया की करी, क्या उनकी सोच बहुत आगे की, लेकिन जो माइंड सेट है, जो टेक्निकली जो बैट्समैन है ना इंडिया के, वो बहुत आगे है यार, बहुत आगे हैं। मैं तो नोट बना रहा होता हूँ ना, तो मेरी कॉपियां भरती हैं। आज के मुल्क में तो व्हाइट बॉल को ज्यादा तरजीह दी जाती है कि हम फ्रेंचाइज लीग खेल लें, हम वो वाली लीग खेल लें। मुल्क के लिए नहीं सोचते, इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, ये फर्क है दोनों का। जिस दिन हमारे लड़कों में भी मुल्क से मोहब्बत आ जाए ना, मैं माफी के साथ ये जुमला बोल रहा हूँ, मसला ये है कि पैसे से ज्यादा प्यार हो गया यार। पैसे वाली डिबेट भी मुझे समझ नहीं आती, जितना इंडियन क्रिकेटर्स को पैसा मिलता है ना, हमारे वाले तो सोच भी नहीं सकते। अब मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया इंग्लैंड को भी जाके मारे, न्यूजीलैंड को भी मारे, और साउथ अफ्रीका से भी बराबर खेल कर आता, इन्हें भी मारे, क्योंकि इनकी बॉलिंग में वो दम आ गया है जो एक टाइम पे वसीम भाई वकार और शुएब अख्तर होते थे ना। इस वक्त इंडिया की बॉलिंग वो बनी हुई है, अभी तो शाम ही नहीं है यार। वो टीम 2013 से घर में टेस्ट मैच नहीं हारी यार, उसको ये कैसे हरा देते, ये कौन से सपने बेचते हो तुम झूठे, क्योंकि शान मसूद हार गया, क्योंकि बाबर से रन नहीं हुआ इनके खिलाफ। अब बाबर जितने रन तो जो उसने 4 इनिंग में नहीं किया, उससे ज्यादा तो कर दिया ऋषभ पंत ने 2 घंटे में। अब 2 घंटे में घंटा बजा के भेज दिया बांग्लादेश का उसने। भाई अगर मैच नहीं कर सकते तो कम से कम लल्लो तो बंद रखो, किसी की क्रिकेट अच्छी क्रिकेट को सराहो यार, बताओ कि हाँ यार वो अच्छा खेले। कि किस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को पानी भी नहीं पीने दिया, बगैर रोहित और विराट की बड़ी कंट्रीब्यूशन के इंडिया ने बहुत ही कमाल प्रदर्शन किया, और इसके बाद बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया यार। इंडिया के अगेंस्ट जब बांग्लादेश ने यकीनन पहली इनिंग अगर आप देखेंगे तो वहां पर उनकी नजर आएगी, जो आज संधू ने कहा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, हमने स्टार्ट अच्छा लिया था मगर उसको मोमेंटम को कैरी नहीं कर पाया। कैरी कैसे करेगा तू, पूरा आम डाल दिया पंत ने, फिर उसके बाद क्या नाम है जडेजा ने। वजह ये है कि पाकिस्तान हमारे पास है क्या, हमारे पास इफ्केन काश रह गया, हमारे पास ना तो बल्लेबाज रहा, ना लाउंडर रहा, ना बॉलिंग ऑलराउंडर रहा, ना बॉलर रहे, हमारे पास सारे वर्ल्ड क्लास है, और भी भाई है वर्ल्ड क्लास भाई है ये, ठीक है। तो अश्विन ने अपने दुख का इजहार किया कि भाई ये भाइयों को देख लिया मैंने, इनके वर्ल्ड क्लास भी देख लिया मैंने, इनका स्टेटस अब इस कदर गिर गया कि बांग्लादेश इनके मुंह को आ रहा है, मुंह को क्या आ रहा है, मुंह तक डाल के जा रहा है। ओके, और आज सुबह में रोहित शर्मा की एक ट्रिक को वाजे तौर पर समझ गया था, वो ट्रिक ये थी कि स्ट्रेट अवे वो अश्विन के साथ नहीं गए, पहले उन्होंने आधा एक घंटा इंतजार किया, जडेजा को करवाई, बुमराह को कराई, सिराज को करवाई, बाद में वो जब अश्विन को लेके आए तो देवर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर रवि अश्विन। ये होता है कैप्टनसी का ब्रेन, उसको मालूम था मैं 515 रन बचा रहा हूं, मुझे इन्हें पहले तो खिलाना है, खिला के इनको आमादा करना है कि इन्हें ये लगे कि कदम निकालेंगे तो ड्राइव लग जाएगी, इन्हें ये लगे कि ये बैकफुट पे जाएंगे तो कट लग जाएगा। अश्विन आए तो ये बल्ला खोले अश्विन पे, और फिर अश्विन ने उसके बाद ऐसी खोली कि फिर किसी की खुल नहीं सकी। उसके बाद 50 मिनट में बाजी पलटना, वो भी उस टीम की जो 2-0 वर्ल्ड चैंपियंस को मार के आ रही है, मेरे वर्ल्ड क्लास को ठोक। इंडिया जैसे नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचा तो पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि अब यहाँ पर इंडिया का तुलना पाकिस्तान से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इंडिया नंबर 1 रैंकिंग पर है और हम यानी पाकिस्तान अब यहाँ पर बांग्लादेश से भी नीचे टेस्ट के रैंकिंग में पहुंच चुके हैं। जो बांग्लादेश से हारे थे उसके कारण वो बांग्लादेश से भी नीचे टेस्ट रैंकिंग में पहुँच चुके हैं। यहाँ राशिद लतीफ का ये भी कहना है कि हम अब इंडिया के साथ तुलना करने से हमको कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंडिया का कोई भी आता है जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे जाता है, या लेजेंड हो या न्यू प्लेयर हो या यंग प्लेयर कोई भी हो, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे जाता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो। तो आपको क्या लगता है गाइस, जरूर कमेंट करके बताना, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना।